सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप मोबाइल से ऑनलाइन अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी कर सकता है, बहुत ही सिंपल और आसान सा प्रोसेस है और आप अपने मोबाइल से अपना बिजली का बिल जमा करवा पाएंगे। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियाँ हैं या बोर्ड हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो चलिए, आज हम जानते हैं फ़ोन पे के ज़रिए आप कैसे अपना बिल पे कर सकते हैं। इसके पहले हमने एक पेटीएम पे वीडियो बनाई थी, वो आपको लास्ट में मिल जाएगी, आप उसे भी ज़रूर देखना अगर आप पेटीएम से पे करना चाहते हैं। तो फ़ोन पे के अंदर दोस्तों हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन सर्च करना है, रिचार्ज एंड बिल्स पे के अंदर आपको ये मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, आप यहाँ पर टैप करें। ऑनलाइन बिल पे करने का दोस्तों आपको अलग अलग बेनिफिट मिल जाता है। आप जब भी आपको बिल पे करना हो किसी भी चीज़ का, तो आप एक बार पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे या जितनी भी भीम यूपीआई बेस्ड ऐप है दोस्तों, आप इन पे एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम ऑफ़र चलते रहते हैं। अमेज़ोन से भी आप पे कर सकते हैं, उसके ऊपर भी ऑफ़र चलते रहते हैं। तो आप सब जगह एक बार ज़रूर चेक कर लें, ताकि आपको कोई बढ़िया और अच्छा ऑफ़र मिल जाए। तो हमें दोस्तों यहाँ पे DHBVN बोर्ड का जो बिजली का बिल है वो पे करना है। हम यहाँ पे टैप करेंगे तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रॉल होता रहता है, यहाँ पे ऑफ़र है, यहाँ पे वीज़ा कार्ड का ऑफ़र है देखेंगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पोस्टपेड एंड लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड बिल है, आपको मिल गया है विन अप टू 100 कैशबैक। तो दोस्तों हम यहाँ पे टैप करेंगे विन अप टू 100 कैशबैक। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑफ़र की डिटेल्स दी गई हैं, तो हम इस ऑफ़र को इसके अंदर ऐड करेंगे। इस ऑफ़र के थ्रू हम पे करेंगे, पे बिल नाउ पे हम टैप करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सिलेक्ट करेंगे, बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है हमारे से अकाउंट नंबर, तो ये ओपन हो चुका है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है। आपको दोस्तों आपके बिल के ऊपर ही आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा। जिस किसी का भी ब्रॉडबैंड का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या कोई और बिल है, आपको उसका नंबर मिल जाएगा, वहाँ से देख के नंबर डाल दे। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और नीचे फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे अकाउंट नंबर की डिटेल हमारे पास आ चुकी है, कस्टमर नेम आ गया है, बिल नंबर आ गया है हमारे पास, और बिल डेट आ गई है 9 अगस्त। यहाँ पे इन्होंने ड्यू डेट भी दिखा दी है, क्योंकि हमारे बिल के अंदर भी ड्यू डेट 26 अगस्त है, तो इन्होंने दिखा दी है। तो ये तो दोस्तों आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर लें अपने बिल की डिटेल, कस्टमर नेम, बिल नंबर मिला लें आप, ड्यू डेट और जो बिल की डेट है वो चेक कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पे बिल पे करने के लिए ऑप्शन मिलता है भीम यूपीआई। अगर आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू पे करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो भी आपने बैंक अकाउंट लिंक किए हैं फ़ोनपे से, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है डेबिट कार्ड का। अगर आप दोस्तों अपने एटीएम कार्ड से बिल पे करना चाहते हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी आपके पास हो, आप डेबिट कार्ड पे सिलेक्ट करें। तो देखेंगे हमने जितने भी डेबिट कार्ड हमने यूज़ किए हैं फ़ोन पे के अंदर, यहाँ पे आ चुके हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे उसे सिलेक्ट करके उसका CVV नंबर डालना है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन क्रेडिट कार्ड का मिल जाता है। आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे टैप करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ऑलरेडी एक HDFC या क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ऐड है। तो आप क्रेडिट कार्ड से भी ऐड करना चाहें, तो आपको उसका CVV नंबर डालना है और आप यहाँ से बिल पे कर पाएंगे। तो मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पे भीम UPI यूज़ करने वाला हूँ। तो भीम UPI पे सिलेक्ट करेंगे, आप अकाउंट नंबर सिलेक्ट करेंगे और पे बिल पे आप टैप कर देंगे। उसके बाद आपको अपनी UPI पिन डाल देना है यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कनेक्टिंग प्रोसेसिंग पेमेंट। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हमारा अभी रेट फ़ोन पे, हम इसे बाद में रेट करेंगे। यू आर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN 1956 हैज़ बिन पेड सक्सेसफुली। आप यहाँ पे सेट ऑटो पे भी कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने आप पे हो जाए आपका बिल, तो सेट ऑटो पे टैप कर दे। बाय कोरोना इंश्योरेंस इन रोल फॉर लिक्विड फंड्स, चेक बैलेंस व्यू डिटेल पे आप टैप करेंगे। तो व्यू डिटेल पे आप टैप करेंगे, देखेंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी आप देख रहे हैं, आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि बाद में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। बाय चांस वैसे तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन फिर भी आ जाए तो दोस्तों आपके ट्रांजैक्शन आईडी काम आती है। तो आप इसके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पे सब कुछ आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, फ़ोन पे, तो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। शेयर पे टैप करके हम इसे शेयर भी कर देते हैं, तो इसे हमने व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया दोस्तों, ये पूरी स्क्रीनशॉट वाली जो लिस्ट थी। तो इस तरह दोस्तों सिंपल आप अपने मोबाइल से अपने बिजली का बिल जमा करवा सकते हैं, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना, पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।